दूसरी बात, किसी ने मुझसे पूछा, आज मेरे फोन पे बात हो रही थी, किसी ने मुझसे पूछा कि वॉरेन बफे की सीरीज में कितने लोग इन्वेस्ट करते होंगे आपके हिसाब से। बड़ा अच्छा सही क्वेश्चन था, फोन पे बात हो रही थी मेरी। मैंने अभी देखिए आपके मोबाइल में, आपके सामने ही मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल खोल रहा हूँ, जिसमें मैंने ये आप लोगों को कब पोस्ट करी थी, बहुत पहले करी थी, जब सीरीज चालू की थी, मेरे ख्याल से 5-6 महीने पहले। पहल हर घर वॉरेन बफे की शुरुआत की है या अभी तक सोच रहे हो? 500 से करो या 5,000 से करो या 50,000 से करो, लेकिन करो जरूर, करो जरूर। इसमें 66% लोगों ने, यानी 705 लोगों ने हाँ में वोट किया है, 268 लोगों ने वोट्स किए हैं ना, सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, भगवान मालिक है उनका। 4% यानी 50% लोगों ने कहा है कि नहीं करना है, और 4% लोगों ने कहा है कि मुझे गरीब ही रहना है। तो ये दो कैटेगरी तो कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये बाजार में, मेरे ख्याल से बाजार को एक टॉय की तरह समझते हैं, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये भी शाम तक वाली कैटेगरी में आते हैं मेरी नज़र में। आप लोग अपने अपना, सबका अपना अपना पैशन होता है, कई लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं बाजार में, कई लोग सीखने के लिए, पैसा बनाने के लिए आते हैं। तो जो 25% लोग हैं जो सोच रहे हैं, मैं आप लोगों से वापस से आपके लिए निवेदन करूंगा, ट्रस्ट मी, ये वॉरेन बफे की सीरीज से, मैं भी ना आप लोगों की तरह, आप भी सोचते होंगे कि व्हाट्सएप वाला पैसे कैसे कमाता है, फेसबुक वाला पैसे कैसे कमाता है। चलिए फेसबुक का तो ऐड वेड समझ में आता है, व्हाट्सएप में तो पहले ऐड भी नहीं हुआ करती थी, व्हाट्सएप वाला पैसे कैसे कमाता है, स्विगी वाला इतना डिस्काउंट देता है, 200 रुपये का ऑर्डर करते हैं, 100 रुपये अपनी जेब से भर देता है, 100 रुपये हमको देना पड़ता है, 200 रुपये का खाना देता है, पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये दिमाग मेरे भी रहता था दिमाग में, फिर बाद में जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ी वैसे वैसे समझ में आया। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी तक हमारे दिमाग में भी हमको क्लियरिटी नहीं है कि क्या हम इससे पैसा कमाएंगे, यानी कि ये जो हर घर वॉरेन बफे की सीरीज स्टार्ट की है, ये ट्रेडिंग के लेवल्स देना, आंकड़े देना, मैजिकल फिगर देना, शॉर्ट टर्म ट्रेड बताना, ये सब इसीलिए कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, पहले जब नींव रखी थी इस चैनल की, तब से मालूम था ट्रेड करके पैसा बनाना है और पैसे को इन्वेस्ट करना है, तभी ये नाम रखा था। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग में आना है, क्योंकि आप और मेरी एक सीमा है काम करने की, बाद में कंपनीज को काम करने देंगे हम उस सेगमेंट में अपने बनाए हुए पैसों पे। तो 25% लोग कह रहे हैं कि हमें अभी भी सोच रहे हैं, तो ट्रस्ट में हमें भी नहीं पता कि ये हर घर वॉरेन बफे की सीरीज में हम पैसा कैसे बनाएंगे, अभी तो हमें नहीं पता। हम ये सिर्फ एक गुड कॉज के लिए कर रहे हैं। तो मुझे जो टेलीफोन आया, जिससे मेरी फोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कितने लोग करते होंगे आपके हिसाब से सीरीज में पार्टिसिपेट। तो अभी मैं लाइव आने के पहले इसको पब्लिक टेलीग्राम चैनल में रिपोस्ट किया, ताकि एक बार अपडेटेड हो जाए डेटा। तो 66% लोगों ने, 705 लोगों ने कहा है कि हम करते हैं। अब मैं अपने सारांश पे आने की सारांश पे आता हूँ। 705 लोग ने वोट किया है, मैं मान लेता हूँ कि इतने लोग अभी भी नहीं कर रहे होंगे, ये भी मौज मस्ती के हिसाब से हाँ में वोट कर दिए होंगे। मैं कहता हूँ 10% लोगों ने भी अगर चालू कर दिया होगा, कितना चालू किया होगा वो रेलेवेंट नहीं है, चालू किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 5,000 रुपये से भी कर रहे हो तो भी मुझे लगता है 10 करोड़ रुपये बना लोगे, 20,000 रुपये से, 10,000 रुपये से कर रहे हो तो मुझे लगता है 15 करोड़ बना लोगे, 25,000 रुपये से, 30,000 रुपये से कर रहे हो तो आप मान लीजिए, अब 40,000 रुपये से मैं करता हूँ तो 144 करोड़, 100 करोड़ के आसपास की बात समझता हूँ आने वाले कुछ डिकेट्स में। तो अगर 500 तो नहीं कह सकते, 5,000 रुपये से भी कर रहे हो, 5,000 रुपये के लायक तो लेवल इंटेलिजेंस दे देता है 5,000 रुपये बनाने के लिए। वीकली बना सकते हो आप लोग पब्लिक टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आप यहाँ पर अगर 5,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोटा माटी आप 40,000 रुपये से, आप मान लीजिए कि अगर हम 100 करोड़ रुपये बनाते हैं तो हम यहाँ पर 5,000 रुपये, 40,000 रुपये को आप भाग कर दोगे 5,000 रुपये से, तो 8 गुना कम कर लीजिए, यानी 8 टाइम्स लेसर देन 100 करोड़। तो मोटा माटी 5-10 करोड़ रुपये तो बना लोगे। तो एक तो आपकी जनरेशन सुधर जाएगी। ये वीडियो में जो भी बातें मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही हम इसमें फायदा देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये सीरीज चालू क्यों की। तो उनका क्वेश्चन था फोन पे कि ये सीरीज चालू क्यों की। मैंने आप लोगों को अपने फ्रेंड के बारे में बताया हुआ है, जिनका नाम है शाहिद। शाहिद जो थे, हम लोग साथ में पढ़ने आए थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे। अब जब हम अपने पास्ट को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जितना पैसा हमने अपने एजुकेशन में खर्च किया, उतना ही पैसा, एजुकेशन तो करना जरूरी है, बिना पढ़ा लिखा इंसान कुछ समझ नहीं सकता, उसकी बुद्धि डेवलप नहीं होती। तो माइंडसेट को अगर डेवलप करना है तो पढ़ना लिखना जरूरी है।
तभी आप रैशनल हो पाते हैं, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन जितना पैसा आप स्टडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही पैसा अगर आप इन्वेस्टिंग में भी करते हैं, जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, बजाज फिनसर्व को ले लो। बजाज फिनसर्व 5 रुपये का था 2005 में, आज 15,000 रुपये का है। मैं ये भी नहीं कहता कि हम पूरा ये इतना ग्रोथ 10,000%, 20,000% कमा लेंगे, लेकिन 15% के हिसाब से भी कमाते हैं रैशनली। इंडेक्स फंड की भी इक्विटी के रिटर्न देखते हैं पास 20-30 ईयर्स के, तो भी हम देखते हैं 100 करोड़ बन जाते हैं। तो हमें बहुत रिग्रेट होता है कि हमने अपने सही टाइम पर सही डिसीजंस लेके सही एग्जीक्यूशन नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि आप में से कोई ऐसा इस माइंडसेट को वापस से ना दोहराए जो हम दोहराते हैं, नहीं तो आज हम हजार मेरे ख्याल से विप्रो में ही इन्वेस्ट कर देते, विप्रो में ही इन्वेस्ट कर देते तो 1,000-2,000 रुपये, 1,000-2,000 करोड़ रुपये होते। और इतना हमें मेहनत करना, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सीधे उसकी मार्केटिंग करते हैं, बड़ी लॉन्चिंग करते और पेल देते। काम अच्छा है, आंकड़े अच्छे हैं, ऑटोमेशन अच्छा है, तो बिक जाता, सामान अच्छा होना चाहिए बस। तो आप लोग उससे वंचित ना रहें। दूसरा कि अगर कभी किसी को कोई इमरजेंसी आ गई लाइफ में, तो भी वो दुआ देगा, क्योंकि वहां पर एक SIP के रूप में पैसा जमा हो जाएगा। तो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ऐसे माइंड ऐसा फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका क्लास बदल जाएगा। आपका आपके आज हम सेविंग जो करते हैं, बचाते हैं पैसा, है वो परिवार के लिए बचाते हैं। तो अगर परिवार के लिए बचा मौज भी कर लो और इन्वेस्टिंग भी कर लो और परिवार का फ्यूचर भी सिक्योर कर लो, तो इससे बेटर और क्या ऑप्शन हो सकता है। तो परिवार भी सिक्योर हो जाएगा, क्लास बदल जाएगा, इन हमारे अंदर जो रिग्रेट की फीलिंग है वो आप लोगों के अंदर नहीं आएगी। तीसरा, कहीं कोई अड़चन के समय पे वो पैसा काम आएगा, तो भी आप दुआएं देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं की है, स्पेकुलेटिव माइंडसेट को हटा दो और प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके, आंकड़ों को यूज़ करके ट्रेडिंग करके पैसा बनाइए और उसको इन्वेस्टिंग करिए। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी कुछ लिमिटेशन से काम करने की, बाद में ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट में कोई पूछने वाला ना रहे। पैसा है तो सब दुनिया पूछती है, पैसा नहीं है तो कोई आसपास का भी नहीं पूछता, आपका अपना भी नहीं पूछता है, ट्रस्ट में। तो चलिए, ये तो मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी बातें किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोगों के साथ ना हो। चलिए बात करेंगे, अभी ये भी किसी को बकवास लगेगी। अब जो लोग ये 5% में आते हैं, नहीं करना है और मुझे गरीब ही रहने वाले, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते अपन। चलिए बात करेंगे आज के आंकड़ों की, आपका 10 मिनट ले लिया। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट होता है किसी को अपना टाइम देना, या फिर कोई आपको अपना टाइम दे, वो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है दुनिया में। और मैं सोचता हूँ मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ, अभी तो गिफ्ट ही दे रहा हूँ, जब तक अगर समझ जाइए कि अगर कुछ बाय प्रोडक्ट, अभी तो हमारा इंटेंशन पैसे बनाने का नहीं है, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगा ये हमें भी पता है। लेकिन हाँ, बहुत नाम कमा लिया, बहुत कुछ अच्छा दे दिया, बहुत कुछ अच्छा बन गया हमसे धोखे से, क्या मेहनत कर रहे हैं, बन गया तो बन गया, वरना ठीक है, जो है सो है, बढ़िया है, तो फिर हो सकता है कि ये फेवर लेने वाली बात हो जाएगी।